Hello everyone, this is Harinder Sahu from King Research. I am a professional trader and I am a SEBI Regd research analyst. आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ एक बहुत पावरफुल सेटअप, बहुत पावरफुल टूल समझाने, दिखाने और उसके बैकटेस्ट के साथ रिपोर्ट दिखाने के लिए. और इस सेटअप का नाम है CPR. यस, आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है CPR क्या है क्या नहीं है. गाइस, आज जो मैं CPR देने वाला हूँ टोटली यूनिक बेस पे देने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको स्टॉप लॉस टारगेट, प्रॉपर टारगेट एंड मेन पॉइंट एंट्री, CPR में एंट्री कहां पे ले, कैसे हमें पता चलेगा आज ट्रेंडिंग डे है या नहीं है, तो ये सब तीनों चीजों के साथ मैं आपके पास आने वाला हूं. और ये जो CPR है गाइस, हम लोग आज से नहीं कम से 6 से 7 साल से यूज कर रहे हैं. एक पाइवेट का कॉन्सेप्ट है, उसी पाइवेट के अंदर एक छोटी सी कैलकुलेशन है, उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि कल हमारे साथ कौन से स्टॉक में या कौन से इंडेक्स में या किस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में किस तरह की मूव होने वाली है. तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है. आप लोगों ने बहुत सारी YouTube में वीडियोस देखी होंगी CPR के लेके. आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं जब अपना CPR का कॉन्सेप्ट दे दूंगा, प्लीज 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 जरूर बताइएगा कि आपको जो दूसरों का CPR है और जो हम लोग का किंग रिसर्च का बनाया हुआ CPR है उसमें कुछ डिफरेंस है. तो प्लीज लाइक दे देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके आप मुझे प्लीज बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसके बेस पे हम लोग एग्जैक्ट बता पाएंगे आज इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में क्या होने वाला है. तो जो आज CPR है, मैं CPR को दो पार्ट में लेके आने वाला हूं. दो पार्ट में, जो पहला पार्ट है वो इंडेक्स का पार्ट रहेगा, यानी कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में मैं आज आपको एडवांस में देने वाला हूं. और जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए. तुरंत इमीडिएट बेसिस पे मेरे को सब्सक्राइब करिए. अगर मेरे को आप 5000 सब्सक्राइबर्स दे देंगे तो सून मैं पार्ट 2 भी CPR का बता दूंगा आप लोगों के. और वो जो पार्ट 2 का CPR है वो ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे काम करा जाता है, बड़े टारगेट्स, बड़े स्टॉप लॉस के लिए कैसे काम किया जाता है, वो चीज देने वाला हूं. और उसको इतना पावरफुल है वो आप किसी भी स्टॉक में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, कॉमेक्स, करेंसी, फॉरेक्स, जहां मन करे आप जिस भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो वहां पे यूज कर सकते हो. दिस इज वेरी पावरफुल गाइस. और अगेन, आप लोगों ने मेरा उल्टा पुल्टा स्ट्रेटेजी जो ऑलरेडी यूट्यूब में है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, 920-925 विद पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, वो भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए दिया हुआ है, उसका पावर आप लोगों को पता है. बहुत सारे प्यार मिल रहे हैं, बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, लोग सीखने के लिए उतारू हो रहे हैं कि सर अगर आप फ्री में ये स्ट्रैटेजीज दे रहे हो तो जो मैं क्लास लेता हूं या वर्कशॉप लेता हूं उसमें क्या कंटेंट होने वाला है. गाइस, इसी तरह से प्यार देते रहिए. आज मैं आपको CPR किस तरह से मार्केट में काम करना है, कब नहीं करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि इस स्टॉक में बाई है या सेल है, एवरीथिंग गोना टू टीच यू इन अ सिंपल मैनर विद किंग रिसर्च ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो तब तक के लिए मैं अपने सिस्टम, ठीक है, तो मैं सिस्टम में जाने से पहले पॉज लूंगा और आप लोग से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाके तुरंत जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा दीजिए और शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूं. रिटेल ट्रेडर्स के लिए कोई पैसा नहीं चार्ज करता. और एक और मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. उस टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टिप्स देता हूं, उसका कोई चार्ज नहीं है. और ये जो स्ट्रैटेजी देने का मेरा जो पर्पस है, आपको एजुकेट करना है कि किसी भी टिप्स एडवाइजर के पास आपको जाने की जरूरत ना पड़े. जब आप मार्केट में बैठो, खुद से सेटअप बनाओ, खुद पैसा कमाओ, और जो खुद से पैसा बनाओगे उसका जो हैप्पीनेस है सर, उसकी जो खुशी मिलने वाली है वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है. राइट, चलिए आ जाते हैं सिस्टम पे, देखते हैं कैसे CPR एज अ किंग रिसर्च ईगल आई के बेसिस पे काम करता है, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा. चलिए कम टू द सिस्टम. थैंक यू.
हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च। चलिए मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, सीपीआर रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप फॉर इंट्राडे। यस, प्योर इंट्राडे लवर्स जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, जो इंट्राडे पसंद करते हैं ट्रेड करना, तो उनके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। CPR रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप किस तरह से सेटअप बनाया जाए जिसके अंदर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा बनने की कोशिश हो सके, आपके रियल अकाउंट में पैसा बनाया जा सके, राइट? आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे YouTube में CPR के बारे में। मैं आपसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग इस CPR सेटअप को, पाइवेट सेटअप को और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन ऑफ VWAP है, ये तीन चीज़ों को साथ में कंबाइन करके एक ऐसा पावरफुल टूल हम लोगों ने तैयार किया है। आई हैव अ प्रॉपर एल्गो फॉर दैट, मेरे पास प्रॉपर उसका एल्गो बना हुआ है जिसके अंदर एवरीथिंग ऑटोमेटिकली विल कम अप, जो भी आज के इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन होते हैं। ओके, तो ये हम लोग कम से कम 5 to 6 ईयर्स हो गए इसको यूज़ करते हुए, इस पावर ऑफ टूल को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कम से कम 5 से 6 साल हो गए सर हम लोगों को इस CPR रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करते हुए। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे कि मैं बोल रहा था कि इस सेटअप को देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को समझ लिया तो पैसा बनना नेक्स्ट डे से ही चालू हो जाएगा। आज मैं आपको इस CPR रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप सिखाने वाला हूँ। यस, इसी CPR में कई सारे ट्रेड होते हैं, एक कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग ट्रेड होता है, अगर मार्केट ऊपर है तो कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, अगर मार्केट नीचे है तो कंटिन्यूसली नीचे जाता है, मार्केट साइडवेज है तो कैसे साइडवेज में अवॉइड किया जाए, और जो हम स्कैल्पिंग बोलते हैं या रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग का नाम देते हैं। तो आज जो मैं है, ये जो स्कैल्पिंग, रिवर्सल और स्विंग ट्रेडिंग है, CPR मेथड को यूज करके उस बेसिस पे मैं स्ट्रैटेजी, उस टाइम फ्रेम पे मैं स्ट्रैटेजी निकालने वाला हूँ जो प्योर इंट्राडे गेम ऑन होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो मेरी समझ में आए, पसंद आए और आपको लगा कि हाँ कुछ पावरफुल है, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा, लाइक देना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा लगा आपको वीडियो, जो आपने दूसरों का देखा और इसका देखा कैसा है पावरफुल। मैं आपको पिन पॉइंट चीज देने वाला हूं किस तरह से प्रॉपर तरीके से बाइंग निकाला जाता है। एंड मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, आप लोगों को पता है, जो नए फॉलोअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा, दिस इज हरिंदर साहू हैरी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी दे चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत पावरफुल है, जिसकी कॉस्टिंग 75,000 में चार्ज करता था एक टाइम पे, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑलरेडी शेयर 2 मोर स्ट्रैटेजीज, वन इज 920 एंड अनदर इज 925 स्ट्रैटेजी, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 पावरफुल विद पावर ऑफ स्टॉक सेलेक्शन। तो जो लोगों ने नहीं देखा है गाइस, वो स्ट्रैटेजी का भी आप लाभ ले सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी में पैसा बना रहे हैं। मेरा मोटो एक ही है, लर्न एंड देन अर्न, सीखोगे तभी पैसा बना पाओगे, अदरवाइज गाइस भूल जाओ पैसा मार्केट में बनता है, क्योंकि आप लोग जो फॉलो करते हो टिप्स एडवाइजर को, टीवी चैनल्स में दूसरों को फॉलो करते हो, गाइस अपने आप को फॉलो करना चालू कर दो, जिस दिन आप अपने आप को फॉलो करना चालू कर दोगे पैसा अपने आप बन जाएगा, राइट? तो ये एक CPR आप लोगों को डेडिकेटेड है, और ये मैं CPR रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप आपको देना चाह रहा हूं एज अ न्यू ईयर 2020 गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, सभी ट्रेडर्स के लिए, सभी रिटेलर्स के, सभी लोगों के लिए, जो भी मेरे को पसंद करते हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, उन सब के लिए एक पावरफुल गिफ्ट है मेरी तरफ से न्यू ईयर का। अगर अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में न्यू ईयर लिख के, हैप्पी न्यू ईयर लिख के भेज दीजिएगा, हैप्पी न्यू ईयर 2020 करके लिख दीजिएगा, आपका ग्रीटिंग मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इंट्राडे पावरफुल सेटअप, पावरफुल टूब, CPR रिवर्सल बाय किंग रिसर्च। ये जो स्ट्रैटेजी है मॉडिफाइड मैंने किया है स्ट्रैटेजी फॉर वर्किंग इन स्टॉक फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए अभी के लिए। तो ये जो CPR है, आज मैं पार्ट 1 देने वाला हूं, इसका जो पार्ट 2 है
आप लोगों का प्यार मिला, 5000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए, इसका पार्ट टू बनाऊंगा जिसमें स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक कैश में, एमसीएक्स में, करेंसी में, फॉरेक्स में किस तरह से ट्रेड होता है वो सारा वर्जन उसके अंदर लेके आऊंगा। आज मैं सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करूंगा, यानी कि निफ्टी जो ऑल टाइम हाई पे बैठी है। क्या निफ्टी आज सीपीआर में आई है? क्या मॉर्निंग में हमें पता था सीपीआर में आज हमारी निफ्टी में काम करने वाला है और नए हाई की तरफ हम जाने वाले हैं? उसका आंसर मैं आपको जल्दी ही देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, और आप बताइएगा क्या आया था। अगर आया था अगेन कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, नहीं आया था तो नो लिखिएगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, यू विल वी विल ईजिली क्रिएट अ रिलेशनशिप जो कि मैं हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। चलिए, हाउ यू कैन फाइंड बिग मूव फॉर इंट्राडे एंड प्रीमियम सकिंग डे। यस, जो ऑप्शन लवर है उनके लिए भी ये बहुत पावरफुल सेटअप है, मैं बताने वाला हूं प्रीमियम सकिंग डे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पीपीटी, फर्स्ट स्लाइड जो है मेरी आप लोगों के सामने, गाइस टुडे आई विल शेयर विद यू ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग मेथड, जिसका पार्ट वन आप लोगों के सामने है। ओपन चैलेंज, वी नो द रियल सीक्रेट मेथड ऑफ सीपीआर। कोई मार्केट में आपको ये नहीं बताएगा, आप टैली कर लेना, देख लेना जो मैं आपको देने वाला हूँ क्या काम कर रहा है, क्योंकि हम तो 5-6 साल से इसको यूज कर रहे हैं। ये एक पावरफुल टूल था मेरा खुद का, जो मैं पर्सनल ट्रेड लेता था, सेटअप लेता था। आई हैव अ प्रॉपर एल्गोरिथम ट्रेडिंग इन दिस सीपीआर, एवरीथिंग आई हैव। जिसको भी एएफएल चाहिए, एमई ब्रोकर का एएफएल, जिसको भी सीपीआर का चाहिए, नॉट एल्गो का, ओनली आइडेंटिफिकेशन के लिए सीपीआर का जो कैलकुलेशन है वो चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 8468811500। मैं आपको व्हाट्सअप में एएफएल शेयर कर दूंगा, सो दैट यू विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई विच स्टॉक इज कमिंग इन सीपीआर एंड विच स्टॉक इज नॉट इन द सीपीआर। ओके, चलिए, हियर ओनली रिवर्सल मेथड ऑफ ट्रेडिंग। फर्स्ट पॉइंट, हाउ यू विल आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग डे और साइडवे डे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वाइड वाली स्टोरी समझाने वाला हूं, सीक्वेंस स्टोरी एंड नैरो वाली जो स्टोरी है वो मेरे सेकंड पार्ट में है, वो मेरा पावरफुल टूल है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दूंगा। आज आई विल टॉक अबाउट, टुडे आई विल टॉक अबाउट ओनली वाइड। तो कैसे आइडेंटिफाई करें ट्रेंडिंग या साइडवेज, दिस इज वाइड। जो सीपीआर में आप ट्रेड करते हो सर, सीपीआर नथिंग बट, मैं आपको बता देता हूं एक छोटा सा कैलकुलेशन, एक छोटा सा लॉजिक जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहां पे सर जो सीपीआर की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, इसमें तीन लाइन का गेम है, थ्री लाइंस का गेम है, ओनली थ्री लाइंस, पहला, दूसरा और तीसरा, ये थ्री लाइंस का गेम है, राइट। मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, अपन बात करते हैं डायरेक्ट पैसा कैसे बनाया जाता है, ना कि ये क्या होता है, कैसे काम करेगा, कैसे क्या होगा, ऊपर लाइन को क्या बोलते हैं, नीचे लाइन को क्या बोलते हैं, वो मैं सेकंड पार्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा, या फिर सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ईच एंड एवरी कैलकुलेशन के हिसाब से, किस कैलकुलेशन बेस पे पहला लाइन बनता है, किस कैलकुलेशन से सेकंड लाइन बनेगा, किस कैलकुलेशन से थर्ड। आज मैं बात करूंगा डायरेक्ट गिफ्ट की, जिससे आपके अकाउंट में रियल पैसा बन सके और आप लोग न्यू ईयर पे सेलिब्रेट कर सको, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसको हम अपर लाइन एक बोलेंगे इन शॉर्टकट में, मिडिल लाइन बोलेंगे एंड लोअर लाइन बोलेंगे, राइट। तो अपर, मिडिल एंड लोअर, बस ये तीन कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको स्ट्रेटेजी पे लेके आता हूं। सिमिलरली वाइड रेंज, वाइड मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है, या जो ये तीन लाइन है, ये काफी डिस्टेंस होने वाला है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं
तो जो इसका वाइड रेंज है करीब करीब मान के चलो मोर देन 10-15-20 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 15 पॉइंट ऑन एन एवरेज लगा लो, 15 पॉइंट्स अबव होना चाहिए इन दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, ऑन एन एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट 19-20 चलेगा। तो जो इसका और इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस में हमें 15 से 20 पॉइंट का गैप चाहिए, उसको मैं बोलता हूं वाइड रेंज, ठीक है। सीक्वेंस नैरो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाने में बताने वाला हूं। तो उसके अंदर जो रूल है मेरा सीपीआर ट्रेडिंग मेथड का, वट एवर द रूल इज देयर फॉर माय सीपीआर ट्रेडिंग मेथड दैट आई एम गोना टू टीच यू नाउ, इसका जो बाई कंडीशन है गाइज, सीपीआर का जो बाई कंडीशन है आपके सामने है। इस सीपीआर को, इस टूल को मैं यूज करता हूं प्रीवियस डे को कोरिलेट करके। अगर प्रीवियस डे का पाइवेट पॉइंट आज के पाइवेट पॉइंट से नीचे है, और एल्स इसको मैं उल्टे तरीके से कहना चाहूं, आज का पाइवेट पॉइंट बड़ा है, ऊपर है प्रीवियस डे के पाइवेट पॉइंट से, इन इंग्लिश इफ आई टॉक अबाउट इन बाई कंडीशन रूल नंबर वन, टूडेज पाइवेट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस डे पाइवेट पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। तो दिस इज यस्टरडेज पाइवेट पॉइंट एंड दिस इज टूडेज पाइवेट पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इफ टूडेज पाइवेट पॉइंट इज ग्रेटर देन प्रीवियस पाइवेट पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन फॉर द बाइंग सेटअप, एडवांस में बता रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन फॉर द बाइंग सेटअप। सेकंड पॉइंट, एक और हिडन कंडीशन, किसी किताब में यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, दिस इज ओनली पेटेंट ऑफ किंग रिसर्च, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शुड क्लोज नियर डे हाई। जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स के अंदर आप देख रहे हो वो क्लोज होना चाहिए नियर डे हाई के आसपास, तब हम उसको बाइंग कंडीशन में लेके आएंगे। क्लियर टू एवरीवन? अब सेकंड कंडीशन मनी, सॉरी सेल कंडीशन, टुडेज पाइवेट लेवल और पाइवेट पॉइंट्स शुड बी लेसर देन प्रीवियस डे लेवल्स और प्रीवियस डे पाइवेट पॉइंट्स। जो प्रीवियस डे, अब मैं हिंदी में बताता हूं सर, प्रीवियस डे का पाइवेट पॉइंट ऊपर होगा और आज का जो पाइवेट पॉइंट है वो नीचे होगा, तब हम उस केस में सेल सेटअप करने वाले। ओनली थिंक फॉर सेल, नो नीड टू गो फॉर बाई, सिंपल बाई करना ही नहीं है, दोनों कंडीशन कप्लाइड है, दोनों कंडीशन में बाइंग सेटअप में सेलिंग सेटअप दोनों क्लियर है गाइस। बाइंग सेटअप अगर आपको बोल रहा है, बाइंग सेटअप अगर आपको बोल रहा है दोनों कंडीशन के साथ बाई, तब हमें बाई करना है। सेल सेटअप अगर आपको बोला है दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब हमें सेल सेटअप करना है। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर? प्रीवियस डे, और इसको मैं उल्टा बोलना चाहूंगा, आज का पाइवेट पॉइंट कल के पाइवेट पॉइंट से नीचे खुलना चाहिए। इसका मतलब आपको उस केस में ओनली थिंक अबाउट फॉर द सेल कंडीशन, नो नीड टू गो फॉर बाई, यहां पे बाई करेंगे ही नहीं, यहां पे सिर्फ सेल करेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एग्जांपल, ठीक है, हाउ यू विल ट्रेड इन वाइड रेंज, हाउ यू विल ट्रेड इन वाइड रेंज, इंपॉर्टेंट गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लाइंस की आप टेंशन मत लेना, जो भी एमी ब्रोकर्स यूज करते हैं या फिर करना चाहते हो, इसका एएफएल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, ऑटोमेटिक उसमें प्लॉट हो जाएगा, एल्गो नहीं दूंगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज कुछ चीज मेरे पास भी रहने दीजिए, है ना, होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं एएफएल जो है मैं इसका आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो, आपको समझ में आए किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से प्लॉटिंग हो रही है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। कम टू द डायरेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज प्रीवियस डे, राइट, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे का जो सेकेंड, प्रीवियस डे का जो पाइवेट है आप देखिए ऑलमोस्ट नीचे है,
नीचे की तरफ है और नीचे से ये आज का ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज पिवट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट. आज का जो ब्लू लाइन का जो 12,208 का जो लेवल है, 12,208 का जो ट्रेंड लाइन है या फिर ब्लू लाइन है, दिस इज मिडिल रेंज ऑफ सीपीआर. ठीक है, और सीपीआर का ये अपर लेवल है और ये लोअर लेवल है. तीन लाइन सीपीआर में, तीन लाइन बनती है. इन शॉर्ट मैं बताना चाहूं सर, ये ऑलमोस्ट पिवट का ही मॉडिफाइड वर्जन है. ठीक है, जैसे पिवट में आप लोग देखते हो, पिवट का ही मॉडिफाइड है. पिवट में क्या, एक सिंगल लाइन होता है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन के साथ एक रेंज दे दिया है ऊपर का और नीचे का, जिसमें आपको समझ में आए कि बॉस इस रेंज में कैसे काम कर रहे हैं, और इस रेंज के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कब बाई करना है, कब सेल करना है. ठीक है, आ जाइए एग्जाम्पल. पिछला जो सीपीआर है प्रीवियस डे का वो नीचे है, आज सीपीआर उसका प्रीवियस डे के ऊपर बना है, यानी कि ट्रेंड लाइन या फिर आप बोलो पिवट लाइन जो बीच की लाइन है ऊपर की तरफ है. क्लियर, अब इसमें बाई कैसे करना है गाइस, नोट करिएगा, कीप इन नोट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने पीपीटी में नहीं रखा है. अब इसको बाई कैसे करना है, बाई आपको करना है फर्स्ट 2-3 कैंडल्स आपको इग्नोर करने हैं. पहला कंडीशन, फर्स्ट 2-3 कैंडल आपको इग्नोर करने हैं. सेकंड कंडीशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम फ्रेम. गाइस आपको यहां पे जो टाइम फ्रेम यूज करना है, दैट इज 10 मिनट्स. जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, मैंने 10 मिनट्स में ही आपको समझाने की कोशिश करी है. ठीक है, 10 मिनट्स ही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है. तो पहला 10 मिनट का कैंडल, दूसरा 10 मिनट का कैंडल और तीसरा 10 मिनट का, यानी कि 2-3 कैंडल आपको इग्नोर करनी है. उसके बाद जैसे ही आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी, 2-3 कैंडल तो बिल्कुल इग्नोर करनी है, उसके बाद चौथे पांचवे छठे जब भी आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी, आपको तब उस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई करने का सोचना है. तो इस केस में जो बाई बनी है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर, हाई के ऊपर बाई करना है. और इसमें जो खासियत है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा, क्लियर कट. इसी कैंडल, जो कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई कर रहे थे, उसी कैंडल के नीचे आपको बफर पॉइंट रख के, 5 पॉइंट का बफर रख के आपको यहां पे एंट्री लेनी है इन निफ्टी. क्लियर, और एल्स एक और जो इसका स्टॉप लॉस का मॉडिफिकेशन है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा सर. ये वाला जो एंट्री ले रहे थे आप ग्रीन कैंडल के ऊपर, इस ग्रीन कैंडल के नीचे या तो स्टॉप लॉस लगाओ, बफर पॉइंट रख के 4-5 पॉइंट का, और एल्स जो भी आपका लो है, जो भी उस दिन का लो है, वॉट एवर द लो इज देयर, उस लो का आप स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एंट्री कर सकते हो. क्लियर, यहां पे आपको एंट्री क्लियर हो गया. सेकंड पॉइंट, यहां पे आपका स्टॉप लॉस भी क्लियर हो गया. ठीक है, अब आ जाओ टारगेट. टारगेट होगा गाइस बाइंग सेटअप के केस में, बाइंग की कंडीशन में R1 इज आवर फर्स्ट टारगेट. सेकंड टारगेट भी है, वो सेकंड पार्ट में बताऊंगा कैसे बड़े टारगेट्स के लिए ट्रायलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है. दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द सेकंड पार्ट. अभी के लिए आपको जो फर्स्ट पार्ट में है, सेफ ट्रेडर, न्यू ईयर पे एक अच्छा गिफ्ट खरीद सको, अपनी फैमिली को एक अच्छा सा गिफ्ट दे सको, पैसा खुद के पैसों, खुद का दिमाग लगा के, खुद की लर्निंग से, खुद की साइकोलॉजी से आप पैसा कमा के अपने लोग फैमिली न्यू ईयर आप सेलिब्रेट कर लेना, उसके लिए मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी दी है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल. सर कंडीशन याद रखना, हम वाइड रेंज की बात कर रहे हैं, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइड रेंज. जब वाइड रेंज हो, अभी तक मार्केट में वाइड रेंज में किसी ने आपको सेटअप नहीं बताया, और मैंने स्टार्टिंग ही आपको वाइड रेंज से करना चाहता हूं, जिसको आपको समझ में आ सके सीपीआर पावरफुल कैसे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और दूसरों में हमारे में क्या डिफरेंस है. वाइड रेंज अभी तक मार्केट में नहीं, और मैं वाइड रेंज में एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट बता रहा हूं गाइस, जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके, चलिए सर, प्रीवियस डे सीपीआर कहां पे था, यहां पे था. क्लियर,
अभी जो सीपीआर बना आज का यहाँ पे, जैसे ही मार्केट में खुलेगा आपको तुरंत पता चल जाएगा सीपीआर, क्लियर। जब आपको सीपीआर पता चल गया कि पॉजिटिव साइड है, तो हमें क्या सोचना है गाइस, पहला कंडीशन फुलफिल फॉर द बाइंग सेटअप, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था, लेके चलूं थोड़ा पीपीटी के पीछे, निफ्टी और बैंक निफ्टी शुड क्लोज नियर डे हाई। क्या वो सेकंड कंडीशन भी यहां पे फुलफिल हो रही है? यस सर, देखो जब मार्केट क्लोज हुआ ऑलमोस्ट निफ्टी डे हाई पे ही था, एम आई क्लियर, ऑलमोस्ट डे हाई पे था, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। और देखिए सर, वाइड रेंज भी है, वाइड रेंज, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, अपर मिडल एंड लोअर लाइन सीपीआर का, ठीक है, वाइड रेंज था। पहला कंडीशन वाइड, सेकेंड कंडीशन प्रीवियस डे के सीपीआर से इस डे का सीपीआर ऊपर है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, ऊपर है। सेकेंड कंडीशन फुलफिल ओनली फॉर द बाइंग सेटअप। थर्ड सेटअप, मार्केट जब क्लोज होगा इंडेक्स का वो हाई पे होना चाहिए, तब हमें ये तीनों सेटअप के साथ सोच के बाई का सोचना है। कहां बाई करना है अब उसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट था। बाई कहां करना है गाइस, बाई आपको करना है मिडिल और लोअर लेवल, मिडिल लेवल का और लोअर लेवल का, आई एम सो सॉरी, दिस इज मिडिल एंड दिस इज लोअर, राइट, एंड दिस इज अ सपोर्ट। सो मिडिल और लोअर लेवल के जो दो लाइन है, इन दो लाइन के बेसिस पे हमें ट्रेड करना है जब प्राइस इस रेंज के अंदर आएगा, राइट, तब हमें एंट्री का सोचना है। तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताया बाइंग का, पहले दो या तीन कैंडल इग्नोर, दिस इज फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकेंड कैंडल एंड दिस इज थर्ड कैंडल, यू शुड इग्नोर, टाइम फ्रेम 10 मिनट्स, राइट। फोर्थ कैंडल, फोर्थ कैंडल ये है, इसका हाई पे आपको एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस मैंने बताया इसी कैंडल का लो का, और एल्स जो भी लो है उस दिन का वो स्टॉप लॉस लेना है, मेंटेन करना है। और यहां से आपने एंट्री ली गाइस, और देखो पावर ऑफ रैली, पावर ऑफ ट्रेंड, और इस दिन 32,140 135 का रेट था, 32,140 के रेंज में आपका बाई हुआ, 32,140 से सर आप 32,300 प्लस, इंट्राडे, प्योर इंट्राडे गाइस, यू विल बी अमेज। आपको एक नहीं दो नहीं, जितने बोलोगे उतने दिखाता हूं, ठीक है। अब थर्ड चार्ट, थर्ड एग्जांपल, ये है सेलिंग सेटअप के लिए, बाइंग के दो सेटअप हो गए, अब सेलिंग सेटअप की बात कर रहा हूं। पहला कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, जो पाइवेट है, पाइवेट इन द सेंस जो ब्लू कलर की लाइन इसमें आ रही है, ये प्रीवियस डे पाइवेट है और ये आज का पाइवेट है, राइट। तो ये क्या है, नीचे की तरफ खुला, पहला कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन, प्रीवियस डे जो भी इंडेक्स हम फॉलो कर रहे हैं, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, यहां पे बैंक निफ्टी फॉलो कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट लो पे क्लोज होना चाहिए। तो देखो ऑलमोस्ट लो पे क्लोज हुआ है, दोनों कंडीशन फुलफिल फॉर सेलिंग सेटअप। अब कहां सेलिंग करना है, आ जाओ, पहला लेवल अपर लेवल ये है, मिडिल लेवल ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दी है और थर्ड लेवल ये है, करेक्ट। अब गाइस प्राइस यहां पे खुला, खुलने के बाद पहला दूसरा और तीसरा तीन कैंडल आपको इग्नोर करने हैं, यू शुड इग्नोर फर्स्ट थ्री कैंडल्स और समटाइम्स टू कैंडल्स, बस नाउ आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट थ्री कैंडल्स, ओके। आफ्टर दैट ये ग्रीन आया, आपको एंट्री नहीं लेनी है, फिफ्थ कैंडल में ग्रीन आया नहीं लेनी है, सिक्स कैंडल ग्रीन आया नहीं लेनी है, कब लेनी है, जब रेड कैंडल बन जाए, थर्ड कैंडल इग्नोर करने के बाद जब भी रेड कैंडल बनेगा सेलिंग सेटअप के लिए तब लेना है। यहां पे देखो क्लियर कट गाइस, एक पावरफुल लॉन्ग लेग डोजी बनी है रेड कलर में, बस इसी के लो के नीचे आपको ठोकना था, यस आवर पैटर्न, ठोको,
इसी के नीचे आपको ठोकना था, इसी कैंडल का हाई पे आपको पहला कंडीशन स्टॉप लॉस लगाना था, दूसरा कंडीशन जो स्टॉप लॉस का है जो भी हाई होगा उस दिन का वो लगा देना, जो भी आपको कंफर्टेबल हो अपना मैनेजमेंट देखना, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ लगाना, क्योंकि बिना मनी मैनेजमेंट के रिस्क मैनेजमेंट के मैं आपको कोई भी स्ट्रैटेजी दूंगा या फ्यूचर में दूंगा सब जीरो हो जाएगी, राइट। तो प्लीज वीडियो जाके देख लेना, जिसने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो नहीं देखा ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कम टू द पॉइंट, यहां पे हमारा एसएल था जो आपको सही लगे, यहां पे हमारी एंट्री थी। गाइस आप खुद देख लीजिए, ऑलमोस्ट 31,300 से मेड अ लो 31,300 पॉइंट। मजे की बात कब, जब पूरी दुनिया बोल रही है बॉस सीपीआर का लेवल वाइड है, ट्रेड मत करो, रेंज में है मार्केट, इग्नोर करो, तब। और मैंने आपको पहला सेटअप वाइड वाला जानबूझ के दिखाया, जिससे कि आपको समझ में आ सके किसको फॉलो करना है, किसके पास कुछ पावरफुल चीजें हैं, ठीक है गाइस। चलिए एक और लास्ट एक और सेटअप देख लेते हैं, हाउ यू विल ट्रेड इन वाइड रेंज मार्केट में। यूनिक वीडियो है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलेगा, और कमेंट सेक्शन में हैप्पी न्यू ईयर 2020 ना भूलेगा। आप ये भेजेंगे तो मेरा जो गिफ्ट है मैं समझूंगा आप लोगों तक पहुंच गया है, ठीक है। चलिए कम टू द पॉइंट, कम टू द टॉपिक, यहां पे आप खुद देखिए, पहला कंडीशन प्रीवियस पाइवेट से नेक्स्ट डे पाइवेट अप, सेकंड कंडीशन ऑलमोस्ट निफ्टी ऊपर ही क्लोज हुई है, हाई पे क्लोज हुई ऑलमोस्ट, दोनों कंडीशन फुलफिल फॉर बाइंग सेटअप। रिवाइज करा रहा हूं दोबारा बता रहा हूं, बाइंग सेटअप के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल, अब हमें सेल का सोचना ही नहीं है, सिर्फ बाय का सोचना है। कब करना है आप एंट्री बाइंग साइड में, अब वो बात करते हैं, उस कंडीशंस की बात करते हैं। आपको पहला, दूसरा और तीन कैंडल, स्टार्टिंग के थ्री कैंडल यू शुड इग्नोर, उसके बाद एक जैसे ही ग्रीन कैंडल जब भी बने, जैसे यहां पे फोर्थ कैंडल में ही ग्रीन बन गया, हो सकता है फिफ्थ में बने, सिक्स में बने, सेवंथ में बने, जब भी ग्रीन कैंडल बने, यहां पर देखो ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाई करना है, स्टॉप लॉस इसी ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, और एल्स जो भी लो था डे का उसके नीचे आप एसएल लगाओगे, एंट्रियां मिलोगे और आपके सामने रिजल्ट है। फर्स्ट टारगेट आप R1 के आसपास या S1 सेलिंग में देख रहे हो तो S1 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। इसके अंदर एक छोटा सा हिडन लॉजिक आप याद रखना, आप जब भी एंट्री बना रहे हो, ये और पावर, ये तो हो गया मैंने प्रॉपर बताया, अब इसके अलावा और पावरफुल सेटअप कैसे बन सकता है कि भैया अब ऐसी चीज आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, 100 सुनार की एक किंग रिसर्च की बन जाए, जो हम बार बार जो हम बार बार अपने टैगलाइन को यूज करते हैं। गाइस अगर आपको एंट्री ऑलमोस्ट मिडिल लाइन और लोअर लाइन के बीच में मिल रही है फॉर बाइंग, इट्स वेरी पावरफुल, और सेलिंग के लिए ऑलमोस्ट आपको जो सेलिंग सेटअप है अपर बैंड, अपर लाइन, अपर लेवल और मिडिल लेवल, इसके बीच में या इसके आसपास कहीं मिल रहा है तो सोने पे सुहागा। ये हिडन कंडीशन है, दिल खोल के आपको बता रहा हूं। हैप्पी न्यू ईयर अगेन टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब आ जाओ पार्ट टू, हाउ टू वर्क इंट्राडे ओनली फॉर सेलेक्टेड स्टॉक, पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, किस तरह से लिमिटेड सिलेक्टेड स्टॉक में हमको ये सीपीआर का यूज करके ट्रेड करना है फॉर रिवर्सल और ट्रेंडिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, कि जितना बड़ा मूव हो वो हमें सब मिल जाए, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ही कंडीशन पे, जब आप लोग ये शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मिनिमम 5000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे, आप लोगों को मेरा प्रॉमिस है ये भी स्ट्रैटेजी मैं रिवील कर दूंगा Only for you। ये स्ट्रैटेजी देने का पर्पज ये था सर, बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, आप लोग मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इसको कंपेयर करना, ये ऑलरेडी मेरे पास सेटअप था,
ऑलरेडी मार्केट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वाइड रेंज के ऊपर इग्नोर कर रहे हो, स्मॉलर रेंज में अगेन इग्नोर कर रहे हो, जैसा कि मैंने बताया सीक्वेंस में आप अलग अलग इग्नोर कर रहे हो, नैरो में आप बता रहे हो कि पावरफुल मूवमेंट है, आई ऑल्सो डू एग्री, बट अगर मेरा वाइड वाला ही इतना पावरफुल है तो सीक्वेंस और नैरो तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, समझ रहे हो आप, समझ पा रहे हो राइट बाकी आवर मोटो लर्न एंड देन अर्न, किसी टिप्स प्रोवाइडर को एक रुपए देने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा है, अपने पैसों को खुद प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, किसी को मत दो, देर इज नो शॉर्टकट इन द स्टॉक मार्केट, सीखो कैसे मार्केट में ट्रेडिंग करी जाती है, किस तरह से बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 1st of January से मैं अपना एल्गो लॉन्च कर रहा हूँ फुल फ्लैज, जिसका वीडियो डेली बेसिस पे लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो आपके सामने पूरा क्लियर कट देने वाला हूँ। सेकेंड पॉइंट, मेरा 21 और 22 दिसंबर को हैदराबाद में वर्कशॉप है, और गाइस जो भी हैदराबाद से हैं प्लीज़ डोंट मिस, और हैदराबाद के आसपास के हैं प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि दोबारा हैदराबाद में सेमिनार के लिए कम से कम 6 महीने तो आप भूल जाना, और जो लाइव इंट्रैक्शन होता है और जो मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ दोनों ही पावरफुल है। ऑनलाइन में आपको प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर होमवर्क दिया जाता है, एवरीथिंग इज सेम, सारे कंटेंट आपको सेम मिलेगा, बट लाइव में जब मैं आपको लाइव स्टेज पे बुला के लाइव आप लोगों से पूछने वाला हूँ, आपके बूज बम जो होते हैं ना ये खड़े होने वाले हैं, दिस इज माई कमिटमेंट टू यू गाइज। ऐसी स्ट्रेटेजी आप बोलोगे सर यहाँ मैं कहाँ था, क्यों नहीं पता मेरे को, आई एम नॉट गोना टू टीच यू, दिस इज माई कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू, आई एम नॉट गोना टू टीच यू एनी बुकिश नॉलेज और यूट्यूब नॉलेज, क्योंकि बुकिश नॉलेज यूट्यूब नॉलेज से आज आप पैसा नहीं बना पा रहे हो। यहाँ पे जिस तरह से ये स्ट्रैटेजी दी, उल्टा पुल्टा दी, 920-925 दी विद स्टॉक सिलेक्शन, वो तीन पावरफुल सेटअप, आज चौथा दिया है, आप खुद देख लो सर क्या मेरे पास बुकिश नॉलेज है, अगर बुकिश नॉलेज होता तो ये सेटअप मैं आपको दे पाता, तो आप खुद सोचो। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, प्रोफेशनल ट्रेडर फ्रॉम पास्ट 12 इयर्स, M2M मेरा यूट्यूब में वीडियो देख लेना, प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सर प्रूफ भगवान जी को भी देना पड़ता है, तो बिना प्रूफ के आप लोग मानते नहीं हो राइट, तो M2M आप प्लीज मुझे देख लीजिएगा, और 1 तारीख से लाइव फिर से दिखाने वाला हूं, 50,000 का इन्वेस्टमेंट 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा, 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट में कितना महीने का रिटर्न आ रहा है, दैट आई एम गोना टू शो यू। तो थैंक यू सो मच, आज का मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करूंगा, एक बार और डेट आपको मैं बता देता हूँ, 21-22 दिसंबर हैदराबाद वर्कशॉप, डोंट मिस, आप लोग हो प्लीज़ आइए, मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से बड़े प्लेयर ट्रेड करते हैं। अगर एक दिन पहले मुझे पता चल जाए, 2 दिन पहले मुझे पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इंडेक्स में, व्हाटएवर, एक बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बनाई है, बिग शार्क, बिग बॉयज या बड़े FIs DIs ने उस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाई है, अगर 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपको पता चल जाए तो सर आप किस में करोगे, आप भी उसमें पोजीशन बना सकते हो, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हाउ टू आइडेंटिफाई पावरफुल लिमिटेड स्टॉक सिलेक्शन, दैट आई एम गोना टू टीच इन द क्लास, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, फेक ब्रेकआउट क्या है और ओरिजिनल ब्रेकआउट क्या है, किस पे काम करना है किस पे नहीं करना है, दैट आई एम गोना टू टीच इन द क्लास, प्योर टेक्निकल एनालिसिस, नो इंडिकेटर एट ऑल, ओनली प्राइज एक्शन, जो गुजराती में बोलते हैं प्राइज एक्शन भगवान छे, सिर्फ और सिर्फ प्राइज एक्शन देने वाला हूं, इसके अलावा कुछ नहीं, और जो आप इंडिकेटर में देखते हो मैं यहां पे एडवांस में प्राइज एक्शन में देख के सेम चीज एनालिसिस करके उससे भी पावरफुल, क्योंकि इंडिकेटर आपका लैगिंग इंडिकेटर होता है, वो लेट आता है, और यहां अगर मैं प्राइज एक्शन में जो आप इंडिकेटर के थ्रू देखना चाहते हो कि स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड है, 50, 200 या फिर बहुत सारे इंडिकेटर आप यूज करते हो, अगर वही चीज मैं प्राइस एक्शन में आपको दे दूं सर, तो आपको पहले पता चल जाएगा और सेम चीज उससे भी पावरफुल चीज आपको मिल जाएगी, दिस इज माय कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू। और मेरे ईच एंड एवरी जो भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ही मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप हैदराबाद से हो प्लीज कम, क्योंकि हर सेशन में मैं किताबी नॉलेज नहीं पढ़ाता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कुछ नया, अगर ये 2 महीने बाद आपके पास मैं आया हूँ, 6 महीने के पास आपके पास आया हूँ, या ऑनलाइन आपने सेशन अटेंड किया हुआ है, दोबारा आप ज्वाइन करना चाहते हो मोस्ट वेलकम, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैंने सिखाया है उससे अपडेट वर्जन ही मैं देने वाला, कंटेंट इज सेम बट कुछ साइकोलॉजी, कुछ
ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हर क्लास में मेरा अपडेट हो जाता है बिकॉज आई एम अ लाइव ट्रेडर, आई एम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर. अब फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर की खासियत यह है, आज जो पढ़ाया कल अपडेटेड करके पढ़ाएगा, तीसरे दिन और अपडेट करके ट्रेड करेगा, चौथे दिन कीप लर्निंग और कीप इंप्रूविंग और कीप फॉलोइंग द गुड सेटअप्स. ठीक है, 21-22 दिसंबर हैदराबाद, डोंट मिस. उसके बाद 20 जनवरी को मैं ऑनलाइन क्लास, जो 10 दिन का होता है, रात को 9 बजे से 10-10:30 बजे की टाइमिंग होती है. जो भी दूसरे देश के, दूसरे सिटी के या दूसरे कंट्रीज के हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं. तीसरा 22nd एंड 23rd ऑफ फरवरी, यस 2020 में फरवरी 22-23rd को मैं आ रहा हूँ गुजरात में. भी आप लोग सीट बुक करा लीजिए. 31 तारीख से पहले जो भी पे करेगा, 31 दिसंबर से पहले जो भी पे करेगा, मेरा फीस आप लोगों को पता है, फिक्स है. उसके बाद 31 तारीख के बाद जो भी करेगा, मेरा चार्ज मिनिमम 20% हाइक होने वाला है, मिनिमम 25. भले आप फरवरी बैच ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन आज आप एडवांस 31 दिसंबर से पहले बुक कर लेना. ये इस करंट ईयर के प्राइस हैं. न्यू ईयर पे कुछ नई चीज़ें लेके आने वाला हूँ, कुछ नए सेटअप्स लेके आने वाला हूँ, तो प्राइस भी नया चेंज करने वाला हूँ. ऑलमोस्ट एक साल मैंने इसी प्राइस पे दिया है, नेक्स्ट ईयर सेम प्राइस पे दूंगा, थर्ड ईयर फिर इंक्रीज करेंगे. इतना तो बॉस बनता है ऑलरेडी इतना. और बाकी फीडबैक जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा. ट्विटर में ऑलमोस्ट 22,700 मेरे फॉलोअर्स हैं, आप वो देख लीजिएगा. टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जरूर डोंट मिस टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव ट्रेड देता हूँ जिससे आप फ्री में कमाओ और किसी को टिप्स के पैसे देने की जरूरत ना पड़ो. मेरे से फ्री में कमाओ और सीखने का सोचो, सिंपल एंड शोबर गाइस. ठीक है, चलिए, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज. थैंक यू सो मच. आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए. वीडियो पसंद आए तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स, कॉज व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर फोन.